लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री करेंगे बृहस्पतिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 15 महिलाओं से सुबह 11 बजे संवाद। जी हां, 20 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का अवार्ड की घोषणा करेंगे। इसमें आपको बता दें, 20 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का अवार्ड की घोषणा करेंगे। अवार्ड के लिए देश के 4 शहरों के चुनिंदा लोगों से प्रधानमंत्री बात करेंगे। मध्य प्रदेश के मुंगेर जिले से टॉयलेट सफाई करने वाले लोगों से बात करेंगे, हरियाणा के करनाल जिले से कचरा बीनने वाले लोगों से बात करेंगे, कर्नाटक के मैसूर के सफाई कर्मचारियों से बात करेंगे और फिरोजाबाद की 15 महिलाओं से बात करेंगे, जिन्होंने स्वयं सहायता समूह बनाकर कई तरह की खूबसूरत सजावटी वस्तुओं का निर्माण किया है। मेरा नाम गीता सिंह है, मैं टापा कला फिरोजाबाद में रहती हूँ। मेरे समूह का नाम है जहारवीर स्वयं सहायता समूह, जिसे मैंने डूंडा विभाग से बनाया और वहाँ से मुझको पता चला कि नगर निगम में प्रशिक्षण केंद्र चलाया जा रहा है स्वच्छता मिशन पर, जो कूड़े कचड़े से उपयोगी सामान बनाया जाता है, उसकी हम लोगों ने ट्रेनिंग ली। हमने ट्रेनिंग ली प्लस हमारे 25 सेल्फ हेल्प ग्रुपों ने और ट्रेनिंग ली, जिससे आज हम लोग अपनी आजीविका का अच्छा साधन। आपको क्या फ़ायदा मिला और क्या आपने बनाया? फ़ायदा हमको ये मिला कि पहले हमारी परिस्थिति कुछ ज़्यादा ख़राब थी, हम लोग ढंग से खा पी नहीं पा रहे थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, बच्चों को शिक्षा भी नहीं दिला पा रहे थे। आज हम शिक्षा भी दिला रहे हैं, अच्छा खा पी भी रहे हैं, सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं हम लोग, और इनकम भी अच्छा हो रहा है हमको। कैसा महसूस होगा आपकी प्रधानमंत्री से सीधे बात होगी? बहुत खुश नसीब हैं हम, और धन्यवाद कहना चाहेंगे अपने नगर निगम साहब को, जिन्होंने आज हमें एक रोजगार दिया और हमें प्रधानमंत्री जी से बात करने का एक मौका दिया। और यह महिलाएं इन वस्तुओं को बाजार में भेजती हैं। प्रधानमंत्री द्वारा फिरोजाबाद की 15 आम महिलाओं से बात करने में महिलाओं में भारी उत्साह है। नगर निगम स्थित हॉल को पूरी तरह से सजा दिया गया है और उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों की भी डिस्प्ले ली गई है। 20 अगस्त को दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा और इस दौरान स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का हिस्सा बनी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं से प्रधानमंत्री मोदी करेंगे सीधी बात। इसके लिए नगर निगम के हॉल में आज तैयारियां की जा रही हैं। नगर निगम महापौर कुमारी नूतन राठौर और नगर आयुक्त विजय कुमार पूरी तरह से नगर निगम की व्यवस्थाओं को ठीक करने में जुटे हुए हैं। सर, ये इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, ये कैसे संपन्न हो रहा है और इससे जनता को क्या फायदा होगा? कल 20 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अवार्ड वितरित किए जाएंगे। उसी कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विभिन्न शहरों में विभिन्न समूहों से संवाद स्थापित किया जाएगा। इसके लिए पूरे देश से चार शहरों का चयन किया गया, जिसमें फिरोजाबाद एक है, इसके अतिरिक्त मुंगेर, करनाल और मैसूर शहर हैं और चौथा फिरोजाबाद है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो फिरोजाबाद में वेस्ट टू वैल्यूएबल प्रशिक्षण केंद्र नगर निगम चलाता है और जिससे हमने अभी तक लगभग 25 स्वयं सहायता समूह प्रशिक्षित किए हैं, उन्हीं समूहों में से एक महिला समूह हमने यहाँ पे जहारवीर स्वयं सहायता समूह है, उसकी महिलाएं हैं, जिसमें से उनके माननीय प्रधानमंत्री द्वारा संवाद स्थापित होगा। ये महिलाएं जो वेस्ट मटेरियल है, जिसमें हमारे पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, उससे डोरमैट, हमारे जो रस्सियाँ इत्यादि बनाती हैं, इसके साथ साथ वेस्ट पेपर से विभिन्न भगवान की मूर्तियां हैं, इसके अलावा और तरीके के सारे सामग्री है, टोकरी है, ये सब बनाती है। इस दौरान समूह की 25 महिलाओं में से 15 महिलाएं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और हॉल में पीएम के संवाद के लिए तकनीकी रूप से तैयार किया जा रहा है। इस समूह से जुड़ी महिलाओं ने कचरे से बने आइटमों की प्रदर्शनी भी हॉल में लगाई है और यह लगाई जाएगी। प्रदर्शनी के द्वारा यह बताया जाएगा कि कचरे से वस्तुएं किस प्रकार से बनाई जा सकती हैं। प्रधानमंत्री जी का दिशा निर्देशन है, उनकी प्रेरणा है, उसी से सबक लेते हुए हम लोगों ने जो डूडा के माध्यम से जो हमारे स्वयं सहायता समूह है उनको हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया है, तो इससे हमारा वेस्ट रिडक्शन हो रहा है और वेस्ट हमारा रीयूज हो रहा है और महिलाओं के जीवन स्तर में उसका सुधार हुआ है।